Dear kids, in today's class, we will study our first chapter of computer, that is basics of computer. ठीक है, अभी आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. आप लोग सब फोन से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. फोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है. फोन और कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं. फ़ोन को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, बट कंप्यूटर आपका एक जगह पे वो सेट रहता है. कंप्यूटर को हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं. इन द वर्ल्ड अराउंड अस वी हैव अ लॉट ऑफ मशीन. मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स विच मेक्स आर वर्क क्विक एंड ईजी. अभी जो हमारे पूरी दुनिया में हम लोग मशीन से घिरे हुए हैं. आपके घर में फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाइक्स, ये सब मशीन हैं. मशीन से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. मैन मेड मशीन जो इंसान ने बनाई है. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द मैन मेड मशीन्स. पहला कौन सा है, फर्स्ट नंबर इज कार. अ कार इज अ यूजफुल मशीन, इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कार क्या है, कार बहुत ही ज़रूरत वाली मशीन है और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है. कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपका रोडवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट व्हीकल है. कार से हम अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं बहुत आराम से. कार में बहुत सिटिंग अच्छी होती है. कई कई कार जो बहुत एक्सपेंसिव आती हैं उनमें तो पता भी नहीं चलता कि आप कार में भी बैठे हैं. आपकी जो रोड हो वो किसी भी तरह की हो, चाहे उसमें बहुत सारे आपके बम्पिंग एरियाज हों, ब्रेकर्स हों, बिल्कुल भी उन कार्स में पता नहीं लगता, वो बहुत एक्सपेंसिव आती हैं. देन कम्स टेलीविजन सेट, टीवी, आजकल जो आप बोलते हैं एलईडी, एलसीडीज. पहले बहुत, जब इनिशियली टीवी इंट्रोड्यूस हुए थे तो इस तरह से होते थे, उनके ऊपर एंटीनास होते थे. A television set is a machine. It shows various programs for our entertainment. अब television क्या है, ये एक तरह की machine है और इसमें बहुत सारे channels होते हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे entertainment programs आते हैं. Different different categories के, wild life से related, drama related, comedy, singing shows, dancing shows, different different तरीके के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आपके टेलीविजन पे आपको देखने को मिलते हैं. देन कम्स वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन हेल्प अस टू वॉश आवर क्लोथ्स ईजीली. दिस इज अ वॉशिंग मशीन. दिस इज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. सेमी ऑटोमेटिक भी आती हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉशिंग मशीन्स होती हैं. ये आपके कपड़े धोने के काम आती है. इनमें आप कपड़े डाल दीजिए विद सर्फ एंड वाटर तो वो अपने आप क्लीन होके निकलते हैं. इससे बहुत आपका टाइम बचता है और आपकी बहुत एनर्जी भी बचती है, क्योंकि कपड़ों, जो गंदे कपड़े होते हैं उनको रगड़ने में बहुत टाइम लगता है. अब वो सारा काम आपका मशीन कर लेती है. देन कम्स रिस्ट वॉच. अ रिस्ट वॉच इज अ मशीन दैट लेट अस नो द एक्यूरेट टाइम. जो घड़ी आप पहनते हैं, पेरेंट्स पहनते हैं आपके, वो भी एक तरह की मशीन होती है. उसमें हमें एक्यूरेट टाइम पता लगता है कि क्या टाइम हो रहा है. बट मशीन डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन, दे नीड सम काइंड ऑफ पावर टू वर्क. अब मशीन्स अपने आप तो काम नहीं करती, उनको किसी तरह की पावर चाहिए होती है. जैसे आपकी वॉच में सेल डलते हैं, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं. सिमिलरली जो कार होती हैं उसमें डीजल या पेट्रोल या गैस फिल होता है तब वो वर्क करती हैं. मशीन सच एज कार, बसेस, मोटरसाइकिल्स, ईटीसी रन विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. मशीन सच एज टीवी, फैन, वॉशिंग मशीन, ईटीसी रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी.
Some machines like bicycle, horse, car, etc. require human or animal power. अब जो विलेजेस में मेनली हॉर्स गाड़ियाँ होती हैं, घोड़ा गाड़ियाँ कहते हैं जिनको, इन सब में क्या होता है, या कैमल, कैमल के पीछे वो लोग कैरियर लगा देते हैं, वो सारे इन लोग जो भी एनिमल बेस्ड व्हीकल होती हैं उसको चलाने के लिए ह्यूमन पावर चाहिए होता है. ऑल मशीन्स हैव समथिंग इन कॉमन. अब सारी मशीन में कुछ चीज़ें कॉमन होती है. मशीन वर्क फास्ट, सारी मशीन बहुत तेजी से काम करती हैं. मशीन सेव ह्यूमन लेबर, मशीन हमारी एनर्जी और टाइम को सेव करती है. मशीन सेव आवर टाइम, मशीन हमारा समय बचाती है. मशीन मेक्स आवर वर्क ईजी, मशीन हमारे काम को ईजी कर देती है और हम आसानी से कोई भी काम मशीन की हेल्प से कर पाते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट अ न्यू टाइप ऑफ मशीन विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस. अच्छा, अब हम देखेंगे एक नई तरीके की मशीन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है. हेलो, आई एम अ कंप्यूटर. ये जो मशीन है ये आपको हेलो कर रही है, ये कौन सी मशीन है? दिस इज अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन. कंप्यूटर बहुत काम की मशीन है, बहुत यूजफुल है. वी कैन डू मैनी थिंग्स ऑन इट, हम उस पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे गेम खेलना, प्लेइंग गेम्स, ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाना, वॉचिंग मूवीज, फिल्म्स जो आती हैं आपकी बॉलीवुड वगैरह की वो आप इस पर देख सकते हैं, आपकी कार्टून बेस्ड फिल्म जो होती है हनुमान, बाल कृष्णा, छोटा भीम, ये सब भी आप आपके कंप्यूटर पे देख सकते हैं. अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी सो वी कॉल इट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अब कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं. फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो देखते हैं. आई नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. आई एम अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट मशीन है, वो आजकल की जनरेशन की तरह है, उसको सब नॉलेज रहती है. आई नेवर मेक मिस्टेक, कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होती. अपन ह्यूमन बीन है, अपन कोई भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें, अपन से गलती हो सकती है, बट वही चीज़ अगर हम वही सम अगर कंप्यूटर को सॉल्व करने को देंगे तो कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होगी. आई कैन स्टोर मैनी थिंग्स, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकता है, आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, आपके जो स्कूल के पीडीएफ आते हैं सब्जेक्ट वाइज आप वो भी उसमें स्टोर करके रख सकते हैं. आई कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, आप कितने ही बड़े नंबर का एडिशन डाल दीजिए वो फटाफट करके दिखा देगा. आई गिव एक्यूरेट रिजल्ट, और कंप्यूटर बहुत सही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब वन नंबर की भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं. दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज फाउंड इन होम्स एंड ऑफिसेस, इट कैन बी कैप्ट ऑन द डेस्क. ये है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, ये आप किसी भी टेबल पे रख सकते हैं, टेबल हिलनी नहीं चाहिए वरना कंप्यूटर गिर भी सकता है. ये मेनली आपको ऑफिस में या घर में जहाँ ज़्यादा हिलना ढुलना नहीं होता है वहाँ पाया जाता है. दिस इज अ लैपटॉप, इट इज ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. ये एक लैपटॉप है जिसकी भी ट्रैवलिंग जॉब होती है, जैसे आपके घर में भी कोई अंकल आंटी होंगे या आपके पेरेंट्स होंगे जो वन सिटी टू अनादर, पापा कभी जयपुर जा रहे होंगे, कभी बैंगलोर, पापा अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे उनको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, लैपटॉप की, क्योंकि डेस्कटॉप तो वो कैरी नहीं कर सकते.
दिस इज अ स्मार्टफोन, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर दीज डेज। ये क्या है? ये एक स्मार्टफोन है और ये आजकल यूज होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है, ठीक है? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। We will study more about types of computer in detail in the next class. और हम अलग अलग तरीके के कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से आपकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।